आप भी अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, वो भी ट्यूब सेंसी, डिकोडिंग वाईटी या फिर स्टेप ग्रो की तरह, तो क्या आप भी कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते और सीधा अपना चैनल ग्रो करने का सोच रहे हैं? अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि क्या चैनल ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं? ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि इन यूट्यूबर के पास है और हमारे पास नहीं है? आखिर कैसे ये अपनी 4 से 5 वीडियोस में ही अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते हैं, या फिर ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जो कि इनकी वीडियोस को वायरल करवा के ही छोड़ती है? तो इन सभी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। इन बातों का जवाब तो हम आपको देंगे ही देंगे, बल्कि को आज ऐसी इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे जो कि बड़े यूट्यूबर्स अपने चैनल पर लगाकर अपनी वीडियोस को वायरल करवाते हैं। तो चलिए फिर आ जाते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो अभी बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, जिसमें आ जाते हैं हमारे थंबनेल। तो जैसा कि हमने कहा, हम आपको चैनल ग्रो होने की टिप्स आज दे कर जाएंगे, बस जरा सा इत्मीनान रखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक भी बात को स्किप करके या मिस करके देखते हैं तो बात तो वहीं आ जाएगी ना फिर। अच्छा, तो दोस्तों अभी आप लोग ये दो तरह के थंबनेल देख सकते हैं। अब फर्ज करें कि आपकी टाइमलाइन में दो वीडियोस आई हैं, जिनमें से एक पर राइट वाला थंबनेल लगा हुआ है और एक पर लेफ्ट वाला थंबनेल लगा हुआ है। तो आप हमें बताएं कि आप इन दोनों में से किस वाले थंबनेल पर क्लिक करेंगे? ऑब्वियसली आप इस वाले पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव है। यानी इससे क्या पता चलता है कि आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोग ना चाहते हुए भी आपकी वीडियो पर क्लिक कर ले। अच्छा, तो अभी आप लोग कहेंगे कि अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाए, ये भी हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि थंबनेल्स की क्या वैल्यू है। अब आप में से मिस्टर बीस्ट को कौन नहीं जानता? आपने वो इंटरव्यू तो सुना होगा जिसमें मिस्टर बीस्ट बता रहे होते हैं कि एक थंबनेल ना बनने की वजह से उन्होंने अपनी वीडियो ही अपलोड नहीं की। उनके कहने के मुताबिक उस वीडियो पर पैसा भी बहुत लगा था, लेकिन फिर भी थंबनेल अच्छा ना होने की वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं की गई। तो अभी आ जाते हैं आपके सवाल पे के थंबनेल्स को अट्रैक्टिव किस तरह से बनाया जाए। चले अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि आप एक गेमिंग चैनल का थंबनेल बना रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है कि किसी बड़े क्रिएटर का फेस उठाना है, उसे अपने थंबनेल पर लगा लेना है, या फिर अगर आप फेस कैम करते हैं तो आपने अपना फेस का इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या सिर्फ सिंपल फेस से काम चल जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब देखें, अगर सिंपल फेस के साथ फेस एक्सप्रेशन भी ऐड कर दिए जाए तो आपका थंबनेल क्या ही बन जाएगा। अब फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी देखें। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपने गेमिंग चैनल का थंबनेल बनाना है, अब सामने वाला बंदा आपको मार जाता है तो आपने गुस्से का इजहार करना है। अब गुस्से का इजहार लफ्जों में नहीं, एक्सप्रेशन से करना है। तो चले ये तो होगी फेस एक्सप्रेशन की बात। अभी आ जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स पर जो कि आपने अपने थंबनेल पर लगाने हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब फर्ज करें कि आपने गेम में 25 से 30 किल कर लिए, तो आपने अपने थंबनेल पर लिखना है 25 किल्स इन वन गेम, या फिर इसी तरह का ही कुछ और। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, जैसे आपकी गेम में कोई बड़ा क्रिएटर आ गया तो आप उस क्रिएटर के नाम के साथ ये लिख सकते हैं कि इन माई गेम। अभी आ जाते हैं तीसरी चीज पर, जो कर होने वाले हैं कलर्स। अभी थंबनेल बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 2 से 3 कलर इस्तेमाल हो, इससे ज्यादा ना हो बिल्कुल भी। 3 भी ज्यादा बता दिए हैं, क्योंकि अगर आप 3 से 4 कलर्स का ऐड कर देते हैं तो वो ज्यादा ओवर हो जाएगा थंबनेल आपका। हमें उम्मीद है कि आप जान गए होंगे थंबनेल्स की इम्पोर्टेंस और इसे कैसे क्रिएट करना है। तो अभी बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो कि होने वाला है आपका वॉइस ओवर। पहले फर्ज करें कि अभी आपने थंबनेल्स तो अच्छे खासे बना लिया और लोगों ने इन पर क्लिक करना भी शुरू कर दिया। अब फर्ज करें कि आपसे ऐसा वॉइस ओवर नहीं होता जैसा कि आपकी ऑडियंस आपसे चाहती है, क्योंकि अभी वो आपके वीडियोस पर क्लिक तो करेंगे क्योंकि आपका थंबनेल अच्छा है, लेकिन फिर अगर वो वॉइस ओवर से बोर हो जाते हैं तो आपको बीच में ही छोड़ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि आपके चैनल को दुगना नुकसान होगा। अभी वीडियो पर क्लिक ना करना ये तो एक अलग मसला है, लेकिन वीडियो पर क्लिक करके इसे छोड़ के जाना ये बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि आवाम ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया क्योंकि वो इस पर टॉपिक चाहती थी, मगर आपका टॉपिक फीका होने की वजह से लोग आपकी वीडियोस को छोड़कर जाने लग गए। तो अभी मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, तो फिर वॉइस ओवर को किस तरह से बेहतर किया जाए, क्यों यही पूछने वाले हैं ना? तो चलें फिर अब आपको इस बारे में समझा देते हैं। अभी पहले तो एग्जांपल्स के तौर पर ये दो वॉइसेस सुने। अभी आपने हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी वॉइस ज्यादा मजे की है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हारा सब्सक्राइब अकाउंट लिटरली वैसे का वैसा ही है। मुझे ऑब्वियसली ये पता है कि आप लोग ये वाली कहने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं कि आप इस तरह का वॉइस ओवर किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने वॉइस ओवर में ये देखना है कि आप कहीं अड़ ना रहे हो। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके पूरे वॉइस ओवर पर इतना गंदा इफेक्ट डालती है कि क्या बताएं आपको। तो ये तो हो गई पहली चीज। अभी बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। अभी इसमें क्या आ जाता है कि जो आप वॉइस ओवर करते हैं वो आपका ऊपर नीचे ना हो,
यानी कहीं पर आपकी आवाज बहुत ही ऊंची हो गई और कहीं पर बहुत ही धीमी हो गई। तो अभी आप किस तरह से इस चीज को सही करेंगे, तो इसका हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और ऐसी एक दो चीजें और हैं जिनका हम आपको बताएंगे, क्योंकि वॉइस ओवर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक पूरी वीडियो बनती है। तो अभी अगर हम आपको बीच बीच में से समझा देते हैं तो ना आपको समझ आएगी और ना हमें समझाने में मजा आएगा। इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है और साथ बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड हुआ करेगी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो अभी बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। अब ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा कि अब इसमें क्या आ जाता है कि आप अपने से बड़े क्रिएटर्स के व्यूवर्स को अपने चैनल पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि आप उसकी डिटो कॉपी कर लें, यानी कि अगर जो चीज वो दिखा रहा है वही चीज आप दिखाना शुरू कर दें, जैसे वो बोल रहा है वैसे आप बोलना शुरू कर दें। अब आप कुछ ऐसा कर दिखाएं जो कि उस बंदे ने ना किया हो। अब फर्ज कर लेते हैं कि उस क्रिएटर के हाईएस्ट किल 20 है। अब आपने क्या करना है कि आपने किसी भी तरह से 21 किल करने हैं। अभी आपने वॉइस ओवर करते हुए उस क्रिएटर के नाम का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने 21 किल करते हुए फलां क्रिएटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसी तरह से आपने इसका नाम बार बार इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा कि उसके व्यूवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो आपकी वीडियोस को भी पसंद करना शुरू कर देंगे। तो इस पर भी हम डिटेल में बात करना चाहते थे, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बारे में भी डिटेल में बता देंगे। अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल है जो कि हमसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी आपको लाजमी से देंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।